सबसे अच्छी चालबाज से मस्ती सीधा पीते रहे सुपर। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम की उस वायरल वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपको भी वो वीडियो बहुत मस्त लगेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यार भाई इसको बनाना शायद थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वीडियो को बनाना बहुत आसान है और बहुत मस्त आप वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। तुम्हें सबसे पहले करना क्या होगा, देखो सबसे पहले उसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए। इसके बाद आप लोगों को सिंपल क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम पर चले जाना है। टेलीग्राम पर जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। सिर्फ आप लोगों को इतना सा करना है कि मैंने कमेंट में पिन करके, मतलब इसके अंदर टेलीग्राम पर पिन करके रखा हुआ, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद सिंपल आपको अपने वीडियो को ऐड कर देना है, जिसको आपको एडिट करना है, ठीक है। मेरे पास एक वीडियो है जिसकी लेंथ बहुत कम है, मतलब 11 सेकंड, बट आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। साउंड को करेंगे यहाँ से म्यूट और इसके बाद एंड में चल के वाटर मार्क को करेंगे अपन डिलीट, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, जिस वीडियो का आप एडिट मतलब रिकॉर्ड करेंगे अपने वीडियो को, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल क्या करना है, अपन को किसकी तरह वीडियो बनाना है, ठीक है, जो वायरल हुई है उसकी तरह बनाना है। सिंपल क्या करना है, ओवरले पे जाना है और आपको एड ओवरले पे जाना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला वीडियो है और बहुत मस्त ये वीडियो आपको भी लगेगा जब आप बनाएंगे, ठीक है। अपना वीडियो भी बहुत मस्त लगेगा। इसके बाद अपनी वीडियो को जूम करके यहाँ पर अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे अपन को क्या करना है, अपन को सेम वीडियो बनाना है। मैं इसके साउंड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल ऑफ ही कर लेता हूँ। वापस जैसे देखेंगे तो कहाँ तक इसके अंदर है या वीडियो इस तरीके से एडिट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्लो मोशन होकर आएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर रोक देना है, जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोकेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रोक लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर ये चल के आएगा जैसे, तो अपन यहाँ तक तो चल रहा है वीडियो, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिंपल अपने वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे। अपने वीडियो को यहाँ से अपन स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद सिंपल क्या करना है, स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आना है। स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आके अपन को इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट अपन को ऑप्शन मिलेगा, बट अपन को वीडियो इफेक्ट पर जाना होगा। वीडियो इफेक्ट पर जाने के बाद सिंपल क्या करना है, अपन को यहाँ से जो है अपन को थोड़ा सा आगे नाइट क्लब पर क्लिक करना है। नाइट क्लब पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक फ्लैश वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये मिलेगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन तो इसमें आ चुका है, ठीक है, एक इफेक्ट तो इसमें आ चुका है, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके लेंथ को अपन लेके जहाँ तक अपन ने वीडियो को स्प्लिट किया था जहाँ से वहाँ तक अपन इसको ला के रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक वाला इफेक्ट तो आ गया इसके अंदर, वाइट ब्लैक का, ठीक है। इसके बाद सिंपल क्या करना है, अपन को वापस अपन को इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है और अपन को वीडियो इफेक्ट पर जाना है, ठीक है। वीडियो इफेक्ट पर जाने के बाद सिंपल नाइट क्लब पे ही अपन को आना है, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आना है। यहाँ पर अपन को बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है, उसी की तरह। लेकिन अपन को सिंपल क्या करना है, अपन को नेगेटिव पर जाना है। नेगेटिव पर जाएंगे तो इस तरीके से देखो राइट क्लिक कर देना और इसके बाद इसको भी वहाँ तक एड करेंगे जहाँ पर ने अपनी वीडियो को स्प्लिट किया था। अब अपन देखते हैं दोनों वीडियो में क्या डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें एक इफेक्ट है, वीडियो जो है वहाँ वाला वीडियो जो मतलब जिसकी तरह अपन को एडिट करना है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अपना वीडियो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो सिंपल क्या करेंगे, अपन अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो को यहाँ से अपन जूम कर लेंगे। ये मैंने जूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर अपन को एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर प्लस का, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा अपन आगे आएंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद अपनी वीडियो को अपन ऊपर करेंगे। ये अपन ने ऊपर करा, फिर अपन ने प्लस का ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे लेंगे, फिर आप अपन नीचे कर लेंगे। ये नीचे कर लिया, थोड़ा सा अपन फिर अपन आगे लेंगे तो अपन इसको यहाँ से साइड में कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन वापस से यहाँ थोड़ा सा आगे लेंगे अपन, तो अपन को अपन इसको इस तरफ कर लेंगे, ठीक है, इस तरफ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपन चलेंगे थोड़ा सा, तो अपन इसको यहाँ से यहाँ लेके यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब वापस अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपन इसको ऊपर कर लेंगे। अब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चलो अब अपन अपने वीडियो देखते हैं। अब देख सकते हो अपना वीडियो भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इधर साइड में और लाइट मतलब राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से हो रहा है। जो भी तुम करना चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपल क्या करना है, अपना वीडियो यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो अपना वीडियो कंप्लीट होगा। जैसे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जैसे आप जैसे जूम हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल क्या करना, अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट जैसे ये थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, इसके अंदर एक इफेक्ट आएगा। जैसे अपन चलो अपन वीडियो को प्ले करते हैं, जैसे कि अपन प्ले करते हैं, ये एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट आ रहा है जैसे ही, तो अपन को सिंपल क्या करना है, अपन को भी इफेक्ट देना है। जैसे कि यहाँ से अपन चलेंगे, ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अपन को इफेक्ट से थोड़ा सा पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपन स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और यह वाला वीडियो जो है, इसके बाद थोड़ा सा अपन चलेंगे वापस से आगे, तो वापस इसके अंदर एक और इफेक्ट आएगा। जैसे कि एक और इफेक्ट इसके अंदर आ चुका है, अपने वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जितने भी इफेक्ट आएंगे ना, वो सारे इफेक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे कि पहला इफेक्ट इसके अंदर अपन जैसे देखते हैं,
जैसे कि ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो अपन इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और अपन को एनिमेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे कैपकट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो खाली एक ही वजह से है कि आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करोगे शायद, ठीक है। लेकिन आपको वीपीएन कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने देख सकते हो आप ऊपर मैंने वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि अभी तुम देख सकते हो वीपीएन कनेक्ट मैंने कर रखा है। तो आपको वीपीएन कनेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये ओपन नहीं होंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन वाले के अंदर आपको सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, एंड में जाना, एंड में आने के बाद ये सारे इफेक्ट आपको यहीं मिल जाएंगे जो वीडियो के अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ से इसके अंदर बॉटम वाला कर लेते हैं, स्विंग बॉटम वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये सारे स्विंग बॉटम वाले ही हैं जो जो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अपन जैसे कि इसके अंदर यहाँ से अपन ये वाले को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हो तुम कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। इसके बाद अपन इसके लिए फुल ऐड कर लेंगे, फुल ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं अपने वीडियो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है और अपन ने कौन सा इफेक्ट लगा, जी लग चुका है, ठीक है। आप इसकी लेंथ कम कर सकते हो अगर आप करना चाहो जैसे, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर मैंने इफेक्ट यूज़ किया था, तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन वापस देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। इसके बाद वापस वाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद वापस अपन इसके अंदर जितने भी आपके इफेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर सारे इफेक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, बट मेरे पास जो वीडियो है उसके लेंथ कम है, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपनी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी और जितने भी इसके अंदर इफेक्ट हैं वो सारा आपको एनिमेशन में जाके इन एनिमेशन में मिल जाएंगे। वो सारे इफेक्ट आप यहाँ से यूज़ कर लेना, जो भी आपको पसंद आए, जो जो आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। इसके बाद अपना वीडियो आपको रिकॉर्ड कर, मतलब आपको वीडियो एडिट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल क्या करना है, स्टार्टिंग वाले पार्ट पर जिस वीडियो को अपन ने ऐड किया यहाँ पर ओवरले से, इस वीडियो को अपन क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो ऑडियो वो निकल करके आ जाएगा। वापस बैक आएंगे, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अपन डिलीट कर देंगे। अब ये वीडियो यहाँ से डिलीट होगा और आपको अपना वीडियो देखेंगे तो अपना वीडियो कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से अपना वीडियो बहुत मस्त लगने वाला है, जैसे कि तुम्हें भी देख सकते हो। इसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो लगेगा। तो आप मेरी वीडियो की क्या लेंथ कम है तो आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना होगा। जहाँ तक उस वीडियो की लेंथ है वहाँ तक आप इफेक्ट लगा लेना, सारे इफेक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, ऑडियो ले लेना है और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। तो यही था आज की इस वीडियो में।